स्वच्छकार समाज की आवाज में मैं डॉक्टर कौशल पवार आप सबका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, जय भीम बोलती हूँ। स्वच्छकार समाज की आवाजों में आज हम आवाज सुनेंगे रामचंद्र जी। रामचंद्र जी जो एक ऐसे गांव देहात से आते हैं जहाँ नेटवर्क की बहुत सारी समस्या रहती है। हमने टेक्निकल कारणों से उम्मीद की थी कि शायद हम लोग इस चीज को पकड़ पाएंगे और उसको लाइव आप सबको दिखा सके। हमारी भरपूर कोशिश रहती है कि आवाजों में एक ऐसी आवाज हमारे बीच में शामिल हो जो कहीं ना कहीं अनकही है। मैं अगर अपनी ही कविता को कोट करूं, पीसता रहेगा मानव समय की धार से कब तक, पीसता रहेगा मानव समय की धार से कब तक, अंधियारे को चीर कर उजाला होगा कब तक, उजाला होगा कब तक। रामचंद्र जी, मैं स्वच्छकार समाज की तरफ से आपका स्वागत करती हूँ। हम आपसे आपके जीवन के बारे में, आपके संघर्षों के बारे में, तमाम मेरी ऑडियंस आपके बारे में जानना चाहती है। आप अपना अपना परिचय की शुरुआत सामाजिक कार्यों से करना चाहें या अपने अध्ययन से करना चाहें, आपका स्वागत जी। डॉक्टर कौशल नमस्कार, जय भीम। जैसा कि आपने बताया कि मेरा नाम रामचंद्र है और मैं गांव फरल जो जिला कैथल में पड़ता है, हरियाणा का एक बहुत बड़ा गांव है, बिल्कुल हरियाणा में है यह कैथल में, और इस गांव में काफी बड़ी आबादी है और मैं वाल्मीकि समुदाय से संबंध रखता हूँ, जिसको यदि आम भाषा में आज तक भी चूड़ा जो कम्युनिटी है उससे पुकारा जाता है। मैंने अपनी स्कूलिंग जो की है गांव में ही की है 10वीं क्लास तक। बहुत ही संघर्षों के बाद मैं अकेला ऐसा इंसान नहीं हूँ कि भी इस संघर्ष में और ये सारी चीजों में मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की। यहाँ पे सब ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं कि भी आज भी जो हमारे समुदाय में स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है और बहुत ही संघर्षों के बाद थोड़ा बहुत आगे बढ़ते हैं। गांव के स्कूल में मैंने पढ़ाई की है। जैसे एडमिशन के लिए गए, चूंकि एडमिशन के लिए डेट ऑफ बर्थ की जो बहुत ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन माता पिता और पूरे जो चाचा ताऊ थे सब लोग अनपढ़ थे, किसी को भी मेरा जो वास्तविक जन्म का जो मेरी तिथि है वो नहीं मालूम था, लेकिन दाखिले के लिए जन्म तिथि बताना जरूरी होता है। तो गांव में जो मेरा जन्म तिथि स्कूल में जो दर्ज है एज पर रिकॉर्ड, वो 10 जून 1976 है। लेकिन जब आजकल हम लोग बात करते हैं तो मेरी माँ कहती है कि आपका जो जन्म है वो जून में नहीं अक्टूबर या नवंबर में हुआ था। तो लेकिन रिकॉर्ड के लिए जो हम डेट ऑफ बर्थ है वो 10 जून 1976 मेरा है। गांव में ही मैंने 10वीं का हमारा स्कूल था, यहीं से मैंने पढ़ाई पूरी की और बहुत ही संघर्ष के बाद, क्योंकि पिताजी जो है वो एक कॉलेज में सफाई का काम करते थे और हम लोग 5 बहन भाई थे उसी थोड़ी सी जो 300 रुपए की इनकम है उसी में सब लोग पढ़ाई करते थे और उसी में अपना गुजारा भी करते थे। और जब भी स्कूल के बाद छुट्टियां होती थी, जैसे कि 1.5 महीने की छुट्टियां हैं या फिर वैसे बीच में छुट्टियां होती थी, चाहे इतवार की छुट्टी है या 2-4 दिन किसी फेस्टिवल की छुट्टी होती थी, तो उन छुट्टियों में हम लोग दिहाड़ी करते थे, अपने माँ बाप के साथ जाके खेतों में काम करते थे, क्योंकि हमारे अपने खेत तो है नहीं है, दूसरे के खेतों में जाके हम लोग काम करते थे, या फिर घरों में हम लोग जैसे पशु है गाय भैंस पालते थे और उनके दूध बेचने से या फिर थोड़ा बहुत जो भी इनकम होती थी उसी से अपना गुजारा करते थे। और लगातार कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि 10वीं क्लास तक हम लोगों ने सुबह हम लोग 4 बजे उठते थे, 4 बजे उठ के 8 बजे तक खेत में जाके काम करते थे दूसरे के यहाँ पे, और उसके बाद फिर हम लोग 8 बजे वहां से वापस आते थे। वापस आने के बाद 10-15 मिनट में नहा के धो के और जो खाना खाना है खाना खाने के बाद फिर स्कूल में जाते थे। स्कूल में जाने के बाद फिर जैसे ही हमारी स्कूल की छुट्टी होती थी फिर 4 बजे हम लोग अपना जो बैग है या बस्ता है जो भी है वो अपना घर पे रख के फिर 4 बजे हम लोग खेत में जाते थे और रात को लगभग 8-9 बजे तक खेत में काम करते थे। और पहले तो हमारे घर में लाइट भी नहीं थी 8वीं क्लास तक, और हम लोगों ने जो दिए की जो मिट्टी के तेल से दिया बनाते हैं उससे हम लोगों ने 8वीं क्लास तक अपनी पढ़ाई पूरी की है। और 8वीं क्लास के बाद जब पिताजी को लगा के बच्चों को पढ़ने में बड़ी मुसीबत हो रही है तो तब जाके उन्होंने 8वीं या 9वीं क्लास में हमारे घर पे लाइट का प्रबंध किया था।
दसवीं क्लास में जब हम पढ़ते थे तो काफी सारी ऐसी जो समस्याएं हैं उनका सामना करना पड़ा। नॉट ओनली कि काम तो ठीक है करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो सामाजिक तौर पे के भी स्कूल में उस तरह से हमारा व्यवहार जो बाकी समुदाय के लोग हैं जिनको हम लोग स्वर्ण कास्ट बोलते हैं उनका, या फिर टीचरों का भी इवन कई बार ऐसा व्यवहार होता था कि हमें अलग से ही ट्रीट किया जाता था। जैसे कि हमें छात्रवृत्ति मिलती थी जो भी एससी कम्युनिटी के बच्चों को मिलती है, उसके लिए हमें स्टाइफंड जिसको हम कहते हैं ना, स्टाइफंड हम जिसको बोलते हैं, तो उसके लिए भी हमें कई बार बहुत सारी चीजों कहा सुनी ऐसे होती थी। कई बार तो ऐसा भी होता था कि स्कूल का ऐसा माहौल था कि स्कूल में पढ़ते पढ़ते एक क्लास उठ के दूसरी जगह पे जा रही है, जैसे कि छाया में कहीं जा रही है या पेड़ के नीचे जा रही है स्कूल में, तो ऐसा भी होता था कि बच्चे भागते हैं। जब आज भी मुझे याद है बच्चे जब भागते हैं कि सबसे पहले मैं भाग के वहां पे अपनी जगह अपनी सुनिश्चित कर लूं कि मैं छाया में बैठ जाऊं, लेकिन जैसे मैं दौड़ के चला भी जाता था तो पहले मैंने उस जगह को थोड़ा सा अपना जो एक बोरी या कट्टा होता था जिसको हम बोलते थे वो बिछा भी लिया था। हाँ, तो स्वर्ण कास्ट के जो लोग होते थे हालांकि वो बाद में आते थे पूरी दादागिरी के साथ, लेकिन मेरे को वहां से हटा के छाया से, और जहाँ पे मतलब अच्छी जगह नहीं है बैठने की, सुटेबल जगह नहीं है, वहां पे मुझे बोलते थे कि आप वहां पे बैठिए। रामचंद्र, बीच में टोकना चाह रही हूँ, माफी चाहती हूँ, लेकिन मेरी क्यूरियोसिटी है जानने की और दर्शक भी जरूर जानना चाहेंगे। जब आप स्कूलिंग ले रहे थे अपनी, वहां क्या वाल्मीकि समुदाय के और भी स्टूडेंट थे आपके पैरेलल में जो पढ़ रहे थे, या बिल्कुल रेशो ऐसा था कि पढ़ाई के नाम पे वाल्मीकि समाज का इतने देते हुए नहीं? जी देखिए, यहाँ पे जो यदि हम लोग कम्युनिटी की बात करें तो चमार कम्युनिटी और वाल्मीकि कम्युनिटी दो समुदाय के लोग यहाँ पे पढ़ते थे, लेकिन इतना ज्यादा अच्छा रेशियो नहीं था। सिर्फ और सिर्फ 50 बच्चों में हम लोग दो बच्चे जो थे वो वाल्मीकि समुदाय के थे, और लगभग 4 बच्चे जो थे वो चमार समुदाय के थे, और बाकी जो थे ओबीसी और जिनको हम लोग स्वर्ण कास्ट के लोग बोलते हैं वो लोग थे। दसवीं क्लास तक का ये रेशियो था, सिर्फ दो बच्चे हम लोग जो थे दसवीं क्लास में थे उस टाइम में। और तो मैं बात कर रहा था कि हमें मतलब अच्छी जगह पे जो भी थोड़ी सी बैठने वाली जो बात कर रहे थे आप, बैठने वाली जो जगह थी, यदि हमने दौड़ के सबसे पहले एक अच्छी जगह चुन ली छाया के लिए तो वहां भी हमें बैठने नहीं दिया जाता था। बाद में आके जो भी पंडित लोग थे या फिर राजपूत जो समुदाय के लोग थे वो बच्चे थे वो आके हमें वहां से हटा देते थे और फिर वहाँ अपनी मतलब खुद वहां पे बैठते थे, और हमें ऐसी जगह पे बिठाया जाता था जहाँ पे वो ना तो छाया होती थी और ना ही मतलब थोड़ा सीखने के पर्पज से वो सही माहौल होता था। उसके बाद जब ये तो मैं रही मेरे स्कूल की, लगातार हम लोग जब घर पे बात करते थे तो पेरेंट्स माता पिता से बातें मैं सारी शेयर करता था, तो माता पिता बोलते थे कि बेटा कोई बात नहीं, पढ़ना है हमें तो किसी भी तरीके से आगे बढ़ना है, आप किसी से पंगा मत लो। तो मतलब उनके मन में जो था ना इन बातों के प्रति भी डर था कि हम किसी से पंगा लेंगे। एक आध बार यदि ऐसे झगड़ा भी हुआ तो झगड़े में मुझे उसमें मार भी खानी पड़ी थी, तो पेरेंट्स हमें डराते थे एक तरह से। उनके मन में भी डर था कि भी आप किसी से पंगा मत लो, भी आपको पढ़ना है और आपके साथ ऐसा ना हो कि कोई ऐसी कोई ज्यादा मारपीट करते या बहुत सारी ऐसी बातें। कई बार ऐसा भी डॉक्टर कौशल होता था कि हमें कुछ अपशब्द जो जाति तौर पे हम लोग गालियां समझते थे कि जैसे कि डेड है, जो जनरल कम्युनिटी के लोग बच्चे हैं वो हमारे लिए यूज करते थे कि डेड है ये, या फिर जल्लाद है ये, आप उधर बैठो, डेड ऐसे कैसे तुमने कर दिया। तो ये ऐसे अपशब्द जिनको हम लोग बोलते हैं, जो जातिगत गालियां जिनको बोलते हैं, तो वो भी हमें सुनने को मिलती थी। ये रहा हमारे स्कूल की बात। जब उसके बाद मैंने खेतों की बात की थी तो खेतों में क्योंकि हमारे पास अपने खेत तो थे नहीं और हम लोग काम करते थे मवेशियों के लिए, जब चारा लेने जाते थे जिनको हम लोग घास बोलते हैं वो दूसरे के खेतों से हम लोग लेने जाते थे, और जब दूसरे के खेतों से हम लोग चारा काटने जाते थे अपने भैंसों के लिए अपने मवेशियों के लिए, तो वहां भी हमें बहुत सारी ऐसी प्रताड़ना का सामना करना पड़ता था कि आप बिना पूछे हमारे खेत में कैसे घुस गए। मतलब जो मैंने गालियां बताई है कि भी आप जल्लाद हो, अभी यहाँ से बाहर हो जाओ, या फिर जो भी मतलब जो अपशब्द जो मैं यहाँ पे बोल नहीं सकता, इस तरह की गालियां हमें सुनने को मिलती थी। और बहुत ही हमें मतलब कई बार ऐसा भी होता था कि हमारे जो चारा काटने के जैसे औजार हैं, दराती जिसको बोलते हैं, या फिर जो कपड़ा होता था
उसको भी छीन लिया जाता था और बहुत सारे कई बार मतलब मार भी हमें इस चीज के लिए खानी पड़ती थी। तो ये सारी बातें हम लोगों ने 10वीं 12वीं क्लास तक इस तरह की जो चीजें हैं वो हम लोगों ने झेली। फिर जैसे ही मैं अपनी स्कूलिंग करने के बाद कॉलेज लेवल पे पहुंचा, 12वीं क्लास में मैं पहुंचा हाई सेकेंडरी स्कूल में जो पास का एक कस्बा है, वहां पे भी ये सारी बात लगभग मतलब थोड़ा सा माहौल ठीक रहा क्योंकि मैं अकेला लड़का था जो यहाँ से गांव से हाई सेकेंडरी स्कूल में पहुंचा जाता था। वहां से मैंने अपनी बीच में एक चीज और मैं जानना चाह रही हूँ कि माँ बाप को ये लगन कैसे पैदा हुई कि समाज में, क्योंकि आसपास तो सारे लोग अनपढ़ थे, अपने आपके माँ बाप क्यों चाह रहे थे कि आप भी पढ़े, ये थोड़ा सा ये लगन कहाँ से आई जबकि माँ बाप भी अनपढ़ है, परिवार के आस पड़ोस के भी जो माहौल होता है खासकर हमारे समुदायों में अनपढ़ता ही है, ज्यादातर अशिक्षित ही लोग हैं, तो माँ बाप में कहाँ से ये आया, मतलब कैसे आपके माँ बाप ने सोचा कि आप पढ़ने चाहिए? जी डॉक्टर कौशल, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ जो मेरे पिताजी हैं, हम लोग छोटे से थे, तीसरी चौथी क्लास से ही शायद हम लोग थे, हमें ज्ञान भी नहीं है। मेरे पिताजी कॉलेज में सफाई कर्मचारी का काम करते थे एक कॉलेज में, और बिल्कुल 300 रुपए कच्चे जैसे होते हैं ना, लेबर क्लास जिसको बोलते हैं, फोर्थ क्लास, उसमें काम करते थे। तो वहां पे बच्चों को पढ़ते हुए देखते थे वो, और कई बार उनसे इंटरेक्शन भी हो जाती थी, तो वो पढ़े लिखे लोगों के साथ उनकी इंटरेक्शन होती थी, तो उनको गाइड करते थे कि आप अपने बच्चों को पढ़ाना, मतलब वहां से मेरे माता पिता, खासकर मेरे पिताजी को जो है वहां से काफी सारा सहयोग भी मिला और गाइडेंस भी मिली कि वो मैं अपने सारे बच्चों को अच्छे से पढ़ाऊंगा और पढ़ा के कहीं ना कहीं मतलब उनको कामयाब करूंगा। दूसरी बात ये भी है, जिन चीजों को, जिन परेशानियों को और जिन वेदनाओं को उन्होंने झेला था, कहीं ना कहीं वो नहीं चाहते थे कि भी वो सारी वेदनाएं मेरे बच्चों के साथ हो, और कहीं ऐसा ना हो कि जिस वातावरण में मैं रहा हूँ, मेरा टाइम पास जैसे हुआ है, भी मेरे बच्चों को वो सारी चीजों का सामना ना पड़े, करना पड़े, और पढ़ लिख के ये कहीं कामयाब हो, ऐसा उनके मन में एक जिज्ञासा थी। ठीक है, और यही से माँ बाप से ही हमें ज्यादा प्रेरणा मिली, और मेरे खासकर पिताजी ने हमें बहुत सपोर्ट किया क्योंकि वो ऐसे माहौल में रहे हैं, शिक्षा के माहौल में रहे हैं, वो लोगों ने भी उनको गाइड किया है, और खुद भी थोड़ा सा अपना भी एक समझ होती है कि भी देखते हुए खुद का विवेक, हाँ विवेक होता है। जी 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 जी। तो आपने 12वीं कहाँ से की? 12वीं मैंने जो पास में कस्बा था पुंडरी जिसको हम लोग बोलते हैं, वहीं से मैंने 12वीं की, और 12वीं में भी कोई ज्यादा अच्छा माहौल नहीं रहा, वहां भी थोड़ा सा गांव से थोड़ा हटके थे, लेकिन उसमें भी पढ़ने वाले जो लोग हैं ज्यादातर गांव से जाते थे, मेरे गांव से भी लोग जाते थे, तो थोड़ा सा ठीक हुआ माहौल, लेकिन उसके बाद भी जो खेतों में काम करने की बात थी, क्योंकि वो तो लगातार जब तक बीए मैंने किया है, ग्रेजुएशन मेरी कंप्लीट हुई तब तक वो चलता रहा। फिर मैंने जैसे 12वीं पास की, 12वीं पास करने के बाद फिर मैं कॉलेज में पहुंचा, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, और एडमिशन भी चूंकि शायद सबको ही पता है कि हमारी जो लिस्टें हैं एडमिशंस के बाद, एडमिशंस के लिए वो अलग ही लग जाती है कि इनका एडमिशन ये एससी कम्युनिटी का एडमिशन है, ये ओबीसी कम्युनिटी का एडमिशन है, ये जनरल कम्युनिटी का एडमिशन है, तो वहां भी एक अलग से ही हमें पहचान थी। और मैं बीए में भी यही हमारा सब चलता रहा कि मैंने अपनी इस तरह से ग्रेजुएशन कम्प्लीट की कि जब छुट्टियां होती थी उनमें हम लोग काम करते थे, चाहे वो 2 दिन की छुट्टी है, 3 दिन की छुट्टी है, तो उसमें हम लोग दूसरे के यहाँ पे दिहाड़ी करते थे जाके, और कई बार तो ऐसा भी हुआ कि ग्रेजुएशन में मैंने 2-3 महीने तक रात में मैंने कहीं पे चौकीदारा किया है जाके, और दिन में मैं कॉलेज अटेंड करता था और रात में मैं चौकीदारा कहीं पे करता था, ताकि हमारे मन में भी ये जिज्ञासा रहती थी, क्योंकि कई बार हमने ऐसा माहौल देखा था कि जब बच्चों हमारे स्कूल की बात कहें या फिर कॉलेज की बात कहें, तो हमारे पास फीस नहीं होती थी स्कूल के लिए, तो मेरी माँ जैसे घर पे अचार बना लिया तो अचार बेच के हमें फीस देती थी 3 रुपया 3.5 रुपया, या फिर घर पे चावल, क्योंकि अनाज हम लोग कर लेते थे, चावल बेच के कई बार 3-3.5 रुपया हमारी फीस देती थी। तो ये सारी चीजें हम लोग भी मतलब महसूस करते थे और देखते थे, तो साथ साथ लेकिन अनाज हम लोग छुट्टियों में अच्छा कर लेते थे, जैसे छुट्टियां होती थी तो वो साल भर का अनाज इकट्ठा करते थे, और जब बीच बीच में जरूरत पड़ती तो अनाज बेच के भी हम लोग अपनी फीस या फिर जो भी पढ़ने की सामग्री है, जरूरत की सामग्री है, उसको हम लोग मतलब पूरा करते थे। और
फिर जैसे मैंने बताया कि मैं ग्रेजुएशन तक जो है मैंने एक जगह पे चौकीदारा भी किया है या फिर कुछ दिहाड़ी की है और दिन में मैं कॉलेज अटेंड करता था। फिर जैसे तैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई तो फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन मेरा हुआ, तो वहां पे भी जो मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है वो सोशल वर्क में किया है। जब मैं वहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क में पहुंचा तो वहाँ भी मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि लिस्ट जो हमारे नाम थे वो अलग ही लग जाते थे कि ये एडमिशन जो है एससी कम्युनिटी के हैं, ये ओबीसी कम्युनिटी के हैं और ये जनरल कम्युनिटी के हैं। तो वहां भी कहने को तो डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क था, लेकिन वहाँ पे जो गतिविधियां होती थी वो पूरी की पूरी, मुझे बड़ा दुख होता है ये बोलते हुए कि कहने को तो वो सोशल वर्क डिपार्टमेंट था लेकिन जो वहां पे माहौल था वो पूरे का पूरा एंटी सोशल था एक तरह से। वहां पे आपस में सबसे ज्यादा जो मुझे देखने को मिला एक तरह से डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क में जो जातिवाद है या फिर इस तरह की चीजें हैं वो खुल के नहीं आया लेकिन बहुत ही टेक्निकल तरीके से नहीं देता लेकिन अंदर जी जी और ये भी शिक्षण संस्थाओं का एक तरह से विडंबना है कि आप शिक्षण संस्थाओं में पहले से ही ये बता दें कि ये बच्चों की लिस्ट जो ऐसी है ये बच्चे हैं, ये ओबीसी वाले हैं और ये जनरल वाले हैं, ताकि जनरल वालों को पहले ही पता लगे कि ये बच्चे तो हमारे इसमें जो साथ में बैठे हुए वैसी हैं। मतलब एक तरह से डिफॉल्ट एक की तरह से देखा जाना चाहिए शिक्षण संस्थाओं में। जी। तो वहाँ भी कई बार जो स्टूडेंट है वो बातचीत करते थे तो बातचीत में मतलब दो तीन दिन में ये बात आ जाती थी कि आप लोग तो कोटे से आए हो, आप लोग तो रिजर्वेशन से आए हो, आपको तो नौकरी बड़ी आसानी से मिल जाएगी, आपको तो इतनी मेहनत करने की भी जरूरत नहीं, आपको तो एडमिशन भी ऐसे हो गया है, आपको तो मेहनत करने की नहीं मिली ढंग से। जी जिसके लिए अभी तक भी संघर्ष चल रहा है और उनके लिए वो इतना आसानी था कि ये सरकारी दामाद है, इनको तो अपने आप ही मिल जाएगी, अपने आप मिल जाएगी। तो हर दूसरे तीसरे दिन बाद ये बात हमें सुनने को मिल जाती थी। मतलब कहने को वो डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क था लेकिन वहाँ पे जो गतिविधियां थी, जो वहाँ का माहौल था, पूरे का पूरा एंटी सोशल था। वहाँ पे देखा जाए तो जो लेक्चरर, इवन जो लेक्चरर हैं पढ़ाने उनमें इतना ज्यादा गुट और इतना ज्यादा कास्टिज्म था कि हमें ब्लॉक प्लेसमेंट कहाँ देनी है, फील्ड में कहाँ भेजना है, कौन कहाँ से ज्यादा सीख पाएंगे कहाँ से नहीं सीख पाएंगे, जो बिल्कुल ही एक तरह से ज्यादा प्रॉब्लमेटिक जगह होती थी। क्योंकि हमारा जो स्टडी था वो ऐसा था कि चार दिन हमें क्लासे लगानी होती थी और दो दिन हमें कम्युनिटी में बाहर जाना पड़ता था। डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क ऐसा था कि फील्ड वर्क उसमें ज्यादा होता था, तो चूंकि हमें ऐसा फील्ड वर्क जो दिया जाता था कि जहाँ पे इनको ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़े, और जब रिपोर्ट सबमिट करने की बात थी या फिर दूसरी फैसिलिटीज की बात थी या फिर डिस्कशन की बात थी तो वहां पे जो है वो सारी चीजें भी हमें बहुत सारी झेलनी पड़ती थी। और जब मार्क्स की बात आई है कि क्योंकि प्रैक्टिकल जो होता है प्रैक्टिकल में मार्क्स लगते हैं, तो उन्होंने भी अपनी जो वो उनके अंदर जो क्वालिटी थी, मतलब मैं कहना नहीं चाहूंगा, उनको बड़े अच्छे से दिखाया और प्रैक्टिकल में जो मार्क्स है वो बड़े उन्होंने सोच समझ के हमें दिए कि ये ऐसी कम्युनिटी के हैं तो इनको ठीक ढंग से ही देने चाहिए मार्क्स। तो नहीं आराम से, मैं आपकी बात से इसलिए भी पूरी तरह से सहमत हूँ क्योंकि जो इंटरनल असेसमेंट होती है या जो प्रैक्टिकल में जो होते हैं, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में और बाहर निकल के आते ही हैं कि उनको जो एग्जाम लिखना होता है उसमें बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं लेकिन जो टीचर ने जो प्रैक्टिकल देना है उसमें बहुत कम नंबर आ रहे हैं, तो ये अपने आप में ही पता लग जाता है कि डिस्क्रिमिनेशन है। जी मेरे कहने का मतलब यही था, जो मैं खुल के मैंने नहीं कहा, मैं यही कहना था जो उन्होंने अपनी क्वालिटी है वहाँ के लेक्चरर होने की तो वो इस हिसाब से उन्होंने दिखाई, प्रैक्टिकल में जो उन्होंने मार्क्स लगाने थे अपने हिसाब से लगाए। उसके बाद जैसा कि मैंने बताया कि हमारा फील्ड वर्क बहुत ज्यादा होता था, तो जैसे ही मैंने अपने 2 साल वहाँ पे कम्प्लीट किए, 2 साल कम्प्लीट होने के बाद जब हमारे फाइनल एग्जाम भी हो गए तो उसके बाद 2 महीने का एक ब्लॉक प्लेसमेंट करना होता हमें अपने स्टडी के दौरान, जो वो एक स्टडी का ही पार्ट होता है, जैसे इंटर्नशिप कहिए या फिर अप्रेंटिस कहिए, तो ऐसे ब्लॉक प्लेसमेंट हम लोग बोलते हैं उसको, वो भी हमें करना था। एक हमें रूरल कैंप लगाना था, मुझे एक इंस्टांस याद आ गया कि एक गांव में हम लोगों ने रूरल कैंप लगाया, रूरल कैंप में किसी गांव में लगाया और वहां पे सारी चीजें देखने को मिली, जो भी चीजें जैसे लोगों को अवेयर करने का, लोगों की प्रॉब्लम्स को जानने का, उनको मोटिवेट करने का या फिर वहां पे उनकी प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन काम करने का, वो सारी चीजें जानने की हम लोगों ने कोशिश की और उसपे स्टडी हमारा मेनली था। तो गांव में हम लोगों ने लगाया, मैंने देखा कि वहां पे महिलाओं की स्थिति बड़ी अजीब थी और
उसपे मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए कि भी उसमें दो रीजन थे, मेरा ये भी था कि मैं थोड़ा सा हटके करूंगा तो शायद मेरे जो मार्क्स हैं वो अच्छे लगेंगे, और दूसरा मेरे अंदर एक थोड़ा सा जज्बा था क्योंकि मैं जैसे मैंने स्कूलिंग कंप्लीट की मैं एक ऐसे मूवमेंट से जुड़ गया था, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, मैं वहाँ यहाँ पे नाम लेना मैं बिल्कुल नहीं भूलूंगा, जहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा, जहाँ से मेरे को कॉन्फिडेंस मेरा बहुत बढ़ा। एक तो SFI जिसको बोलते हैं स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, वहां से मैंने अपने नॉलेज जो है व्यावहारिक नॉलेज है उसको बहुत इम्प्रूव किया, और इसके साथ एक जन नाट्य मंच जो नाटक लिखता है गीत लिखता है और गांव गांव में जाके लोगों को अवेयर करता है, उसके साथ मैं जुड़ गया था। मैंने वहां पे मतलब लगभग 3-4 साल तक काम किया। तो जब हम गांव में रूरल कैंप लगा रहे थे तो मैंने सोचा कि यहाँ की जो प्रॉब्लम्स है कॉमन सी प्रॉब्लम्स है सबके साथ, और महिलाओं की खासकर प्रॉब्लम्स है कि वो चाहे वो भ्रूण हत्या की बात है, चाहे वो एजुकेशन की बात है लड़कियों की, चाहे वो छेड़छाड़ की बात है, चाहे वो पंचायतों की बात है, वो सारी चीजें मैं मतलब महसूस करते थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना, मेरा उसमें एक स्वार्थ ये भी था कि शायद मैं कुछ अच्छा थोड़ा सा काम करूंगा तो मेरे मार्क्स अच्छे लगेंगे इस रूरल कैंप में। दूसरा ये भी था, मेरे अंदर जज्बा भी था कि लोगों में थोड़ा सा कुछ मैसेज दूं। हमने रूरल कैंप लगाया, यहाँ पे टाइम पास हम लोग करने नहीं आए हैं, जिस उद्देश्य के लिए आए हैं वो वास्तव में हम लोग करें। तो मैंने वहाँ पे बातचीत की गांव में जिस मोहल्ले में हम लोग जाते थे या फिर पूरे गांव में, कि हम लोग ऐसे ऐसे एक नाटक मंच के साथ आके एक सामाजिक जागरूकता का जो खासकर लड़कियों की शिक्षा से संबंधित है वो नाटक मैं यहाँ पे लोगों के बीच में प्रेजेंट करना चाहता हूँ अपनी टीम के साथ, तो मुझे इजाजत दी जाए। तो लोगों ने बोल भी दिया, मैंने पूरा कम्युनिटी मोबिलाइज किया, कम्युनिटी कन्वेंस किया कि भी हाँ इस दिन को हम लोग यहाँ पे नाटक करेंगे। लेकिन जब यहाँ भी खासकर टीचर की बात कहें जो जनरल कम्युनिटी के थे, आज भी मुझे याद है CP सिंह का नाम है, और जो स्टूडेंट तो स्वर्ण कास्ट के लोग थे, उनको भी पता चला कि जी ये तो SC कम्युनिटी का लड़का है, ये तो अपने नंबर बना जाएगा, तो हम नहीं चाहते। तो उन्होंने पूरा मैंने समुदाय को मोबिलाइज किया, कन्वेंस किया, प्लेस आइडेंटिफिकेशन किया, सब चीजें की, कम्युनिटी के यूथ्स को अवेयर किया कि वो थोड़ा सा हमें कोऑपरेट करे। लेकिन लास्ट मोमेंट पे टीम को भी तैयार किया कि जी जो जनरेट मंच की मैं बात कर रहा हूँ कि भी आप वहां पे इस डे को जो है एक हमारा रूरल कैंप लगा हुआ है और वहां पे एक नाटक जो है उसमें आप आके दिखाए जो खासकर वुमन एम्पावरमेंट के लिए है। तो सारी चीजें तैयार हो गई थी, लेकिन लास्ट मोमेंट पे टीचर से मिलके और जो स्टूडेंट है जनरल कम्युनिटी के जो मेरे साथ रूरल कैंप में गए हुए थे, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, यदि इन्होंने नाटक यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया तो इसके मार्क्स ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो टीचर ने मना कर दिया कि नहीं, हम लोग परमिशन नहीं दे सकते। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी मतलब साफ साफ दिख रही थी कि क्यों मुझे इस चीज के लिए मना किया गया है। उसके बाद मैं ब्लॉक प्लेसमेंट की बात कर रहा था, तो ब्लॉक प्लेसमेंट में हमें किसी NGO में काम करना होता है या फिर वो स्पेशलाइजेशन के हिसाब से होता है। तो मैं एक NGO में चला गया, हिमाचल प्रदेश में NGO थी, एक श्रद्धा उसका नाम है, जो काफी वुमेन एम्पावरमेंट पे और हेल्थ पे और एजुकेशन पे काफी काम कर रही थी। रिमोट एरिया था पूरा का पूरा, कफोटा जो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है वहां पे उसका हेड ऑफिस था। वहां पे मुझे भेजा गया 2 महीने के लिए, वहां पे मैंने बहुत अच्छा काम किया और काम करते करते वहां पे मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया जिसमें HIV/AIDS जो है उस पे गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट था कि उस पे प्रपोजल बना के सबमिट करना था। और प्रपोजल बना के, क्योंकि गवर्नमेंट का ऐसा सिस्टम होता है, हिमाचल प्रदेश एड्स कंट्रोल सोसाइटी ने NGO से प्रपोजल्स मांगे थे और प्रपोजल्स बनाने में मैंने काफी हेल्प की और प्रपोजल बना के मैं खुद ही सबमिट करके आया उसको ही शिमला में संस्था की तरफ से। उसके बाद कुछ टाइम बाद जैसे ही मेरे रहते रहते वहां पे उनका प्रोजेक्ट सेंक्शन भी हो गया हिमाचल प्रदेश एड्स कंट्रोल सोसाइटी से, और वो जो प्रपोजल था वो खासकर ट्रक ड्राइवर्स के साथ अवेयरनेस का प्रोग्राम था, तो HIV/AIDS के बारे में, उसके कंट्रोल के बारे में उनको वो करना। तो जैसे मैंने प्रपोजल सबमिट किया, प्रपोजल वहां पे सेंक्शन भी हो गया, तो उस संस्था ने बोला कि 2 महीने मैंने वहां पे काम किया, संस्था ने बोला कि आपने जो प्रपोजल बना के सबमिट किया था ये हमारा एक्सेप्ट हो गया है और आप अच्छे हैं। आप, उन्होंने मेरे काम को भी देखा, उन्होंने बोला क्योंकि यहाँ पे हम अब ये प्रोजेक्ट शुरू हो गया है, इसमें हमें स्टाफ की भी जरूरत है, क्या आप काम करना चाहेंगे? तो मुझे तो काम की तलाश थी कि मैं तो चाहता था कि काम करना है मुझे, तो मैंने कहा हाँ मैं बिल्कुल काम करना चाहूंगा और मैं तो चाहता ही हूँ कि भी मुझे काम मिले। तो मुझे तुरंत वहीं पे उस ऑर्गेनाइजेशन ने मेरे काम को देखते हुए वहां पे
रख लिया। उसके बाद पांच लोगों को वहां पे टीम थी, पांच लोगों में जो सीनियर पोस्ट थी वो भी एक ऐसे सीनियर पोस्ट को दी गई जो जर्नल कम्युनिटी का था, हालांकि क्वालिफिकेशन के हिसाब से मैं मैच करता था उसमें और सुटेबल जो क्वालिफिकेशन थी मास्टर ऑफ सोशल वर्क वो मेरा था, हाँ जी, लेकिन वहां पे जो सीनियर पोस्ट थी प्रोजेक्ट मैनेजर की वो संस्था ने अपने किसी आदमी को दी जो ना तो उसकी उस हिसाब की क्वालिफिकेशन थी, वो पोस्ट ग्रेजुएशन था लेकिन हिंदी में या फिर पॉलिटिकल साइंस में था, तो उसको उन्होंने प्रोजेक्ट मैनेजर बनाया। और जब काम करते देखा तो उसको कुछ भी नहीं आता था, वो खुद हमें बोलते थे कि देखो जी मैं तो वैसे यहाँ पे काम करने के लिए आ गया लेकिन मुझे कुछ भी नहीं आता है। और जैसे जैसे हमारी पांच लोगों की टीम थी तो मैं काम करते टाइम जो संस्था का जहाँ पे हेड ऑफिस था उससे काफी दूर एरिया में ट्रक ड्राइवर्स के साथ हम लोगों ने काम किए, मैं तीन महीने मैंने काम करते हुए हुआ था, तो काम करते टाइम उनको भी पता चला क्योंकि जब बातचीत होती है जहाँ पे हम लोगों ने कमरा लिया ऑफिस लिया, ऑफिस लेने के बाद वहां पे बात करते थे कि आप कहाँ से हैं, मेरा बात करने का थोड़ा तरीका भी अलग था और वो आप कहाँ से हैं वो बात करते थे कहाँ से आपका नाम क्या है। तीसरा उनका जो प्रश्न होता था चाहे वो संस्था की बात है चाहे वो वहां पे काम करने वाले लोगों की बात है, तो तीसरा उनका प्रश्न होता था कि आप किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, दो बात करते थे तो तीसरी बात उनकी वही होती थी आप किस कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। मैं बोलता था कम्युनिटी आप बताइए आप क्या जानना चाहते हैं, नहीं कहते, फिर वो घुमाते थे बाद आपका सरनेम क्या है, मैं कहा नहीं सरनेम नहीं मेरा नाम सिर्फ रामचंद्र है, नहीं कहते आप नाम के आगे लगाते क्या हो, मैंने कहा मैं कुछ नहीं लगाता मैं इंसान हूं तो मैं इंसान ही हूं, तो कहता नहीं नहीं मैं हमारा जानने का वो अपने पूरे फिर वो क्लियर हो जाते थे कि आप किस जाति से संबंध रखते हैं, फिर मैं बताता था कि मैं ऐसे हूं, तो फिर वहीं पर उनका थोड़ा जो हाव भाव है या फिर जो उनके एक्सप्रेशन है वो चेंज हो जाते थे। तो मैंने तीन महीने काम किया, तीन महीने में जो खासकर वहां का स्टाफ था पांच लोगों का उन लोगों ने मेरे साथ इतना जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की हम लोग बात कहें इतना ज्यादा उन्होंने मेरे साथ किया कि मेरे को किसी तरीके से उन्होंने कोऑपरेट नहीं किया। ऐसा हुआ कि एक दिन प्रोजेक्ट डायरेक्टर की विजिट थी वहां पे, तो उन्होंने देखा कि इनका आपस में स्टाफ का कोऑर्डिनेशन नहीं है, क्या कारण आ रहा है, क्या बात है, क्या है, ये है वो है, तो मैंने बताया सर ऐसे ऐसे बात है ये मेरा काम है, काम खुल के मैंने सर चीज शेयर की और उनको लगा कि भी कोऑपरेशन नहीं मिल रहा है, वो करे कि आप काम बांट के करो, तो मैं कहा ठीक है मुझे काम का बांट के करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है मैं तो काम बांट के करूंगा, और जहां तक रिपोर्ट की बात है मैं तो आधा काम जो आपका सीनियर जो मेरे सीनियर है मैं उनका भी करता हूँ, आप बताइए मुझे क्या करना है। उसके बाद बाद में उन्होंने कहा कि रामचंद्र जी शायद आप ऐसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, मैं कहा हाँ बिल्कुल करता हूँ, कहता हाँ ठीक है तो अब पता चल गया आपको कोऑपरेशन क्यों नहीं मिल रहा है। तो जब मुझे सारी चीजें पता चले मेरे कहने के बाद भी डायरेक्टर ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया और वो स्टाफ के साथ एज इट इज उनका कोऑपरेशन रहा, तो मैंने वहां पे काम करना मेरे लिए उचित नहीं रहा, मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंची, तो मैंने वहां से मना कर दिया कि नहीं मैं अब यहाँ पे क्योंकि इस आपके संस्था जो है इसमें जातिवाद होता है और काम करने वाले की वैल्यू नहीं है तो मैं यहाँ पे काम नहीं कर पाऊंगा, मैंने वहां से रेजिग्नेशन दे दिया। रेजिग्नेशन देने के बाद फिर मैंने कई सारी संस्थाओं में काम किया, किरण बेदी का नाम आपने सुना होगा, उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है नवज्योति जो है उसमें मैंने काम किया, उसमें एजुकेशन पे और हेल्थ पे काफी सारा काम किया, वहां भी ये सब चीज देखने को मिली कि परिवारवाद की बात कहें या फिर समुदाय की बात करें पूरा प्रोजेक्ट मैंने इम्प्लीमेंट किया एक तरह से, 60-70 गांव में हमें गली स्कूल खोलने थे जो प्री स्कूलिंग का कंसेप्ट था या फिर जो आउट ड्रॉप आउट बच्चे हैं या फिर नॉन गोइंग स्कूल्स हैं उनके लिए एक प्रोजेक्ट था वहां पे खोला, पूरा सारे स्कूल मैंने ओपन कर दिए सब चीजें कर दिए, लेकिन जब प्रोजेक्ट हेड बनाने की बात हुई तो वहां भी उन्होंने अपने किसी रिलेटिव को मेरे ऊपर एक प्रोजेक्ट हेड बना के बिठा दिया। तो जैसे तैसे क्योंकि जॉब तो मुझे करनी थी तो मैं क्योंकि मेरी जरूरत भी थी तो मैं काम करता रहा सीखता भी रहा बहुत सारी चीजें, काफी सारे जो दूसरे प्रोजेक्ट चल रहे थे उनमें भी काफी सारा इनिशिएटिव लेता रहा और बातचीत करता रहा, उनके सेल्फ हेल्प ग्रुप थे, उनके एजुकेशन के साथ साथ हेल्थ के थे और वुमेन एम्पावरमेंट पे थे, इन्वायरमेंट पे इनके प्रोजेक्ट थे, उनपे भी काफी सारा मैं सहयोग करता रहा और मैं खुद भी सीखता रहा। सीखते सीखते फिर मैंने वहां से क्योंकि तीन साल मैंने वहां काम किया उसके बाद मैं दिल्ली एड्स कंट्रोल सोसाइटी में वैकेंसी निकली कॉन्ट्रैक्ट पे, तो वहां पे मैंने अप्लाई किया एज ए काउंसलर, मैंने फिर वहां ज्वाइन किया, वहां पे मैंने बहुत अच्छा काम किया, हॉस्पिटल में मेरी सीटिंग थी, मेरे अंदर एक जज्बा था कि मैंने क्योंकि
12वीं क्लास के बाद मैं एक ऐसे मूवमेंट से जुड़ गया था जो जिनके अंदर एक जज्बा होता है या जिनकी एक सोच होती है कि मुझे करना है, क्योंकि मैंने खुद की पर्सनल लाइफ में भी वो चीजें झेली थी, जिन चीजों से मैं दूर रहा हूँ, तो वो बाकी लोग भी ऐसे परेशान रहे होंगे, तो मैं उनको लोगों को ज्यादा से ज्यादा मेरे जो नॉलेज है वहां तक पहुंचाऊं और मैं अपने काम को अच्छे से करूं। रामचंद्र जी, मैं आपसे अंतिम सवाल के रूप में ये जानना चाह रही हूं कि आप हमारे दर्शकों को, तमाम सुनने वाले को क्या संदेश देना चाहते हैं अपने इस जीवन के अनुभव को, जिस तरीके से झेलते हुए आप फिर भी सामाजिक कार्य में जुड़े हुए हैं, आपका अंतिम संदेश मैं आपसे जानना चाहती हूँ। डॉक्टर कौशल, माफी चाहूंगा, मैं एक थोड़ी सी बात और करना चाहूंगा यदि आपके पास इजाजत है। उसके बाद मैंने दिल्ली में ही कॉन्ट्रैक्ट बेस पे डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर के तौर पे दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में मैंने ज्वाइन किया और मैंने 9 साल लगातार वहां पे काम किया, बहुत अच्छे से काम किया। लोग इतना मतलब मेरे काम को प्रेज करते थे, जितने भी ऑफिसर रहे मुझे आज तक एप्रिसिएशन देके गए मेरे काम को लेके कि बहुत अच्छा काम करते हैं, क्योंकि कम्युनिटी के साथ, हर स्टेक होल्डर के साथ मुझे काम मिला। लेकिन अभी पिछले साल फरवरी में एक नया डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट आया, जिनको हम लोग डीएम बोलते हैं, डीसी की पावर भी जिनके पास होती है, और उन्होंने देखा कि ये तो ऐसी कम्युनिटी का है, तो उन्होंने अपने किसी आदमी को लगाने के लिए मुझे तुरंत बिना कोई नोटिस दिए और बिना किसी रीजन के नेग्लिजेंसी ऑफ वर्क लिख के मुझे इमीडिएट इफेक्ट पे वहां से टर्मिनेट कर दिया 8 मई को पिछले साल। हालांकि अभी मेरा कोर्ट केस चल रहा है, क्योंकि 9-10 साल मैंने वहां पे काम किया है। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि उस डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने ऐसे आदमी को मेरी जगह पे रखा, क्योंकि जब मेरा वहां पे सिलेक्शन हुआ था, मैं बाकायदा गवर्नमेंट का जो प्रोसीजर है उसको मैं कंप्लीट करने के बाद मेरी वहां पे सिलेक्शन हुई थी, कि रिटन टेस्ट है, इंटरव्यू है, जो भी है, मार्क्स का है, क्वालिफिकेशन के हिसाब से सारी चीजें फुलफिल करने के बाद हेडक्वार्टर लेवल पे, पूरे दिल्ली लेवल पे मेरी सिलेक्शन हुई थी, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में भेजा गया था। तो अब ये जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट आया है, उन्होंने बिना कोई रीजन के, सिर्फ नेग्लिजेंसी ऑफ वर्क लिख के मुझे वहां पे तुरंत इमीडिएट इफेक्ट से टर्मिनेट कर दिया, और नेग्लिजेंसी वर्क लिखा है। हालांकि मैंने पहले बोल चुका हूँ कि मुझे बहुत सारे डीसी ने, उससे पहले जो डीएम रहे हैं, एसडीएम रहे हैं या फिर एडीएम रहे हैं, उन्होंने मुझे काम के लिए अप्रिसिएशन दिया है, और तुरंत उन्होंने मेरा वो जो है वो टर्मिनेशन कर दिया। और मेरी जगह पे एक जो ब्राह्मण कम्युनिटी का लड़का है, उसको विदाउट कंप्लीशन एनी गवर्नमेंट प्रोसीजर, उसको मेरी जगह पे डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर बना के बिठा दिया है, और आज तक भी वहां पे वो काम कर रहा है। तो ये चीजें भी लगातार जो जातिगत जो समस्याएं हैं या फिर जाति तौर पे जो एक तरह से पीड़ाएं हैं, उनको आज तक भी झेल रहे हैं और आज तक भी हम उसी से नहीं उठ पाए हैं। लेकिन मैं ये संदेश देना चाहूंगा, क्योंकि बाबा साहब ने हमें कई सारे नारे दिए हैं, इसमें शिक्षा और संघर्ष की भी बात हम लोग कहेंगे, शिक्षित बनो और संघर्ष करो, तो संघर्ष ही लाइफ है, लेकिन संघर्ष करते रहिए, पढ़ते रहिए। और दूसरी बात ये भी है कि क्योंकि एजुकेशन के बेस पे ही हम लोग लड़ भी सकते हैं और किसी का सामना भी कर सकते हैं। मैं संदेश मेरा यही है कि लोग, जितने भी हमारे समुदाय के लोग हैं, जिन भी परिस्थितियों में हैं, वो ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, और बाबा साहब ने जो हमें एक मुहिम चलाई थी या फिर उन्होंने जो हमें दिया है, उसको हम लोग आगे बढ़ाएं और उसके सिद्धांतों को मानते हुए हम लोग आगे बढ़ें और संघर्ष करते रहें और पढ़ते रहें और अपने आप को कामयाब करते रहें। तो मेरा यही संदेश है। मुझे लगता है कि आपको सुनने के बाद इसमें कोई दोराय नहीं कि गांव हो, शहर हो या देश की राजधानी हो, जातिवाद हर जगह फैला हुआ है। जाति को देखकर आप तय करते हैं कि इसमें क्वालिफिकेशन कितनी है, जाति को देखकर ही आप तय करते हैं कि इसके अंदर टैलेंट कितना है, जाति के आधार पर ही आप ये तय करते हैं कि किसको आपको अपने पास रखना है, किसको नहीं रखना है। ये देश की राजधानी की विडंबना है। ये तमाम जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो लगातार कहा है कि किसी भी दिशा में मुड़े जाति का राक्षस मुंह फैलाए आपके सामने मिलेगा, आपकी आवाज से मुझे लगता है दर्शकों को भी ये आज महसूस होगा कि कैसे कैसे हम जीवन को झेलते हैं, ढोते हैं, और तमाम संघर्षों के साथ भी ये कोशिश में रहते हैं कि समाज में, राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका हम निभा पाए। आपकी चर्चा को सुनने के बाद मैं तमाम दर्शकों से ये अनुरोध करूंगी,
कि शिक्षा न केवल शिक्षा बल्कि चेतना और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना भी महत्वपूर्ण है। इन शब्दों के साथ मैं शुक्रिया अदा करती हूँ रामचंद्र जी का और तमाम मेरे दर्शकों का जो आप चर्चा को सुन रहे थे। ऐसे ही अगली चर्चा में हम फिर एक शख्स से स्वच्छकार समाज की आवाज में एक आवाज को शामिल करेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे हैप्पी, जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत।